मर्जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मर्जी अंत केवल मृत्यु है, तो मृत्यु को आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अंत मृत्यु है, अंत मृत्यु है, किसका अंत होता है बच्चे? श्राद्ध हमारा जैसे लोग नहीं सुनने, नहीं हम तुमसे पूछ रहे किसका अंत? हमारा शारीरिक जीवन है, अभी आए शारीरिक जीवन में मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद हमारे कर्म ही देखे जाएंगे। हाँ तो शरीर छूटते रहेंगे, कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात होती क्या? ये कपड़ा बदलना है, मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा, दूसरे शरीर में पहुंच गए, भजन कर लो कि शरीर ही ना बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो, अभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु का भय सबको है, कोई दिमाग ऐसा नहीं जिसमें उसका भय ना हो, और भगवान का भजन ही मृत्यु से भयभीत हुए प्राणी को निर्भय करता है। जो सभीत आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं, और कुछ मरना नहीं होता। पंचभूत पंचभूत में मिल जाते हैं, अविनाशी जीव कर्म जाल लेकर के निकल जाता है, कुछ मरा नहीं। क्या मरा? ना जीवात्मा मरा, ना शरीर मरा, शरीर पंचभूतों से बना था, अपने अपने आग में जला दिया गया, वायु जल पृथ्वी आकाश अपने तत्व उसमें मिल गए, और जीवात्मा कर्म को लेकर नए शरीर में चला गया। मरना तो एक केवल भ्रम शब्द है, क्यों? मृत्यु किसकी होती है? किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का अगर कहो तो परिवर्तन है, केवल शरीर के पंचभूत अपने परिवर्तन में चले गए, जीवात्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया, इसे आप मृत्यु कह सकते हो। बस यही मृत्यु है, वो क्या मृत्यु है हमें बता, कुछ मरता हो तो बता, छूटता है, परिवर्तन होता है। नाम जप करो बच्चा, मृत्यु को जानने के लिए परमात्मा में स्थित होना पड़ेगा। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं, खूब नाम जप करो। नाम जप हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो, बातें बलाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है, और भजन है तो जितनी जानकारी है उतना कदम सॉलिड पड़ेगा कि नहीं यार प्राण छोड़ सकते हैं, बहुत बार गलती की, अब नहीं करूंगा। जिद आ जाएगी आपके, भजन बल जागृत हो जाएगा, तो भजन करो सबका सार है। अच्छा इसमें कोई माला लेने के लिए हम नहीं कहते, अगर तुम्हारा जप संख्या के लिए तो काउंटर एक अंगुली में फंसा लो, राधा 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 लाखों जप लो, और हम कह रहे हैं ऐसे नहीं तो अंदर चलो राधा राधा राधा, भगवान से कह दो तुम लिखा पढ़ी करो, हम तो अर्जा जपेंगे, आपके गिन लो कितने जप के लिए, हर समय हमें जपना, तुम क्या गिने, आप देखो राधा 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 राधा।